कमर सीधी, चित्त शांत, आंखें कोमलता से बंद, गहरा श्वास, ओ बोलिए शासनपति भगवान महावीर स्वामी की, बोलिए दिगंबर आचार्य पूज्य श्री विद्यासागर जी महाराज की, बोलिए मंदिर मार्गी आचार्य श्रीमद विजय वल्लभ सुरीश्वर जी महाराज की, बोलिए स्थानक वासी आचार्य सम्राट श्री शिव मुनि जी महाराज की, बोलिए तेरा पंथ आचार्य पूज्य श्री महाश्रमण जी महाराज की, बोलिए जैन धर्म की, बोलिए श्रमण संघ की, सबसे पहले मेरे जीवन निर्माता सद्मार्गदाता सद्गुरुदेव श्री प्रेम सुख जी महाराज साहब के पवित्र पावन चरणों में शत शत वंदन करता हूं। आध्यात्मिक चातुर्मास 2018 के निमित्त इस गोड़वाड़ भवन में विराजमान मेरे उपाध्याय प्रवर संघ सेतु पूज्य श्री रविंद्र मुनि जी महाराज साहब, मेरे सरल आत्मा महाश्रमण भंते श्री पारस मुनि जी महाराज साहब, इन दोनों गुरु भगवंतों के पावन चरणों में शत शत वंदन करता हूं। मेरे तपस्वी श्री ऋषभ मुनि जी महाराज सहित समस्त प्रिय मुनिराज एवं उपस्थित धर्म प्रेमी बंधुओं, माताओं तथा बहनों, आप सभी का अहिंसा समोसरण के इस पावन प्रांगण में हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरी भावना की भावधारा में, अमृत धारा में हम डुबकियां लगा रहे हैं, या यूं कहूं मेरी भावना के अमृत का हम अमृत पान कर रहे हैं।
या यूं कहूं महाकवि जुगल किशोर मुक्तियार युगवीर, जिन्होंने समस्त आगम के ऊपर चिंतन किया, मनन किया, समस्त आध्यात्मिक ग्रंथों का पठन किया, उसका जो सार निकला उस सार का नाम है मेरी भावना। सभी धार्मिक ग्रंथों का पठन करना या पाठन करना, समस्त स्तोत्रों का पठन करना, वाचन करना, जितना महत्वपूर्ण है उतना ही महत्वपूर्ण मेरी भावना को दिल के साथ पढ़ना उतना ही महत्वपूर्ण है। अमृत है ये। ग्यारह पदों के अंदर सिमटी हुई ये अध्यात्म की ज्योत मेरी भावना। हमने 11 पदों में से 7 पदों तक कल तक चर्चा कर ली। आज हम 8वें पद में प्रवेश कर रहे हैं। 8वां पद भी बड़ा ही महत्वपूर्ण है। और आपने देखा होगा मेरी भावना का प्रत्येक पद अपने आप में संपूर्ण है। और प्रत्येक पद की प्रत्येक पंक्ति अपने आप में सारपूर्ण है। पर लेकिन केवल उनके लिए जिनको अध्यात्म में रस आता है, केवल उनके लिए जो आत्म ज्ञान के पिपासु हैं, केवल उनके लिए जो धर्म केवल शरीर से नहीं मन और वचन से भी करना चाहते हैं, उनके लिए ये मेरी भावना बड़ी महत्वपूर्ण है। क्योंकि आपने देखा होगा किसी भी मैले वस्त्र को, गंदे वस्त्र को अगर आप धोना चाहते हैं तो उस वस्त्र को पानी में डुबोना ही पड़ता है। और जब तक पानी में वस्त्र का रोवा रोवा भीग नहीं जाता, गीला नहीं हो जाता, तब तक उस वस्त्र में छुपा हुआ जो मैल है, जो गंदगी है, वो बाहर नहीं आ सकती। यानी वस्त्र को साफ होने के लिए पानी में पूरी तरह डूबना पड़ता है, तब जाकर के उसका मैल निकलता है। और उसमें पड़ा रहे मैल फूल जाता है, और जब मैल फूल जाता है थोड़ा सा भी आप उसे मसलोगे तो वो मैल निकल जाता है। ये अध्यात्म की यात्रा है। ये केवल कर्ण विषय नहीं है, कानों का विषय नहीं है। हाँ, कानों के जरिए इस अमृत को पिया जा सकता है, लेकिन इसकी अमृत में कितनी मिठास है इसका अनुभव वही कर सकते हैं जिन्होंने इस अमृत को हृदय तक पहुंचने दिया हो, मनोभूमि तक पहुंचने दिया हो। केवल सुना और अनसुना किया, सुनते हुए कहीं मस्तिष्क को कहीं और रखा, मन को कहीं और रखा, उनके लिए
मेरी भावना किसी गीत से कम नहीं है, बस हाँ कोशिश करो ये गीत हमारे जीवन की गीता बन जाए। और गीता तभी बनती है जब केवल हम कानों से नहीं प्राणों से सुनते हैं। किससे? प्राणों से सुनते हैं। एक होता है कान और एक होते प्राण। जो व्यक्ति अपने प्राणों से सुनता है यानी दिल लगा करके सुनता है, डूब करके सुनता है, फिर इसके जो सूत्र है, इसके जो रहस्य है, वो रहस्य प्रकट होने लगते हैं। लीजिए आठवें पद का उच्चारण करते हैं। हो कर सुख में मगन न फूले, दुख में कभी न घबरावे, पर्वती नदी शमशान भयानक, अटवी से नहीं भय खावे, रहे अडोल एकंप निरंतर, यह मन दृढ़तर बन जावे, इष्ट वियोग अनिष्ट योग में सहनशीलता दिखलावे, इष्ट वियोग अनिष्ट योग में सहनशीलता दिखलावे। होकर सुख में मगन न फूले, दुख में कभी न घबरावे, पर्वत नदी शमशान भयंकर अटवी से नहीं भय खावे, रहे अडोल एकंप निरंतर, यह मन दृढ़तर बन जावे, फिर इष्ट वियोग अनिष्ट योग में सहनशीलता दिखलावे। वाह, एक एक पद में क्या गांभीर्य भरा है, माधुर्य भरा है, चिंतन का नवनीत भरा है। और ये बातें कितनी सहजता से कह गए, कितनी सरलता से कह गए। और ये बातें केवल वही कह सकता है जिसने अध्यात्म को केवल पढ़ाई नहीं है, अनुभव किया है। अनुभव, अध्यात्म को पढ़ना बिल्कुल अलग बात है, कोई भी पढ़ सकता है जिसको पढ़ना आता है। ग्रंथों को पढ़ना जिनको आता है, कोई भी ग्रंथ पढ़ सकता है, लेकिन ग्रंथ के हार्द तक यानी हृदय तक पहुंचना कोई हृदयवान ही पहुंच सकता है, कोई सुहृद ही पहुंच सकता है, कोई धर्मात्मा ही पहुंच सकता है। होकर सुख में मगन ना फूले, पहली बात बतला दी है। और ये अमूनन आम तौर से ऐसा होता ही है, कैसा होता है कि सुख में आदमी इतराने लगता है। जब भी किसी का मन चाहा होने लग जाए तो उसके पांव जमीन पर नहीं रहते, अपने आप को वो मुकद्दर का सिकंदर समझने लगता है,
अपने आप को पता नहीं क्या समझने लगता है। और मुझे एक बात अच्छी तरह से समझ में आती है, क्योंकि मैंने देखा है, क्योंकि संत होने के नाते हमने केवल ग्रंथ ही नहीं पढ़े, हमने समाज के लोगों के चेहरे भी पढ़े। ग्रंथों में जो लिखा है वो शायद सही है या नहीं है ये मैं नहीं कह सकता, क्योंकि ग्रंथ कब के लिखे गए हैं, कब की उसमें बातें हैं। लेकिन एक बुक है जिसको हम लाइव बुक कहते हैं, जिसको हम सजीव पुस्तक बोलते हैं, एक किताब जो ऐसी होती है, इसको हम निर्जीव कहते हैं, निर्जीव है ये। इन पन्नों में सजीवता नहीं है, निर्जीवता है, यानी ये सजीव नहीं है। जो भी लिखा गया है वो बासी है, उस वक्त का कोई होगा अनुभव लिखा होगा, लेकिन एक किताब है जो कभी झूठ नहीं बोलती, और वो किताब केवल वर्तमान में होती है, और वो किताब जिंदा किताब है, और उस किताब का नाम है आपका चेहरा, हमारा चेहरा। इस चेहरे पर उतरते चढ़ते जो भाव हैं, उन भावों से ही पता चल जाता है कि आदमी इस वक्त कैसी मनस्थिति के अंदर है। अगर आदमी प्रसन्न है, अंदर से आनंदित है, तो चेहरा बता देता है आदमी मस्त है, प्रसन्न है, खुश है, चेहरा बता रहा है। लेकिन अगर किसी शोक में है, किसी तकलीफ में है, किसी दर्द में है, किसी परेशानी में है, तो परेशानी का भी पता हमें चेहरे से लग जाता है, क्योंकि ये चेहरा हमारी परेशानी को भी बता देता है। और कोई गहरा पारखी हो तो मुस्कुराते हुए चेहरे के पीछे जो दर्द है, उस दर्द को भी पढ़ने की कला होती है, क्योंकि साइकोलॉजी के अंदर चेहरों के ऊपर बहुत गहन अध्ययन है। यानी आदमी बनावटी हंसी कैसा हंसता है, असली हंसी कैसी हंसता है, और किस तरह की हंसी किस भाव के अंदर आती है, ये पूरा मेथड साइकोलॉजी के अंदर है, मनोविज्ञान के अंदर है। क्योंकि मनोविज्ञान चेहरे पर किस तरह झलकता है, किस तरह प्रकट होता है, ये मनोवैज्ञानिक बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। बल्कि मनोवैज्ञानिक तो आपके बोलने के तरीके से पहचान जाता है कि आदमी के अंदर दर्द कितना है, खुशी कितनी है, गम कितना है। और आपकी चाल से पहचान जाता है व्यक्ति कि आदमी इस वक्त किस चाल से चल रहा है, क्योंकि मस्ती की चाल कुछ और ही होती है। जब आदमी टूटा हुआ होता है तो उसकी चाल कुछ और ही होती है। बस इन सब चीजों को पढ़ने के लिए केवल संवेदना चाहिए, संवेदना। किसी के दर्द को अनुभव करने का एक मंत्र है, यंत्र है, तंत्र है, और वो है निष्पक्ष प्रेम। निष्पक्ष प्रेम के अंदर हम व्यक्ति के पूरे चरित्र को केवल चलने फिरने खाने पीने उठने बैठने हंसने बोलने के तौर तरीकों के आधार पर पूरा विश्लेषण किया जा सकता है। यानी हम और आप एक जिंदा किताब हैं, ये जिंदा ग्रंथ है। इस ग्रंथ को वही पढ़ सकता है जिसको अध्यात्म में रस आता है, जिसने समायिक दिल से की हो
जिसने प्रतिकर्मण दिल से किया हो। देखिए किताबी प्रतिकर्मण करना अलग बात है और विधि सहित समायिक करना भी अलग बात है, लेकिन संवेदनाओं से जुड़ करके, आत्मा से जुड़ करके जब हम कोई भी अध्यात्म की क्रिया करते हैं तो उसमें जो एक सजीवता रहती है, नित नूतनता रहती है, ये केवल वही जानता है जो धर्म को ढोंग से नहीं ढंग से करता है। क्योंकि धर्म का ढोंग रचने वाले बहुत हैं, लेकिन ढंग से जीने वाले बहुत कम होते हैं। तो होकर सुख में मगन ना फूले, दुख में कभी ना घबरावे। आपने इस पंक्ति में इस लाइन का अर्थ अगर करना चाहो तो क्या अर्थ कर सकते हो? इसके लिए एक बात है, जिनके लिए सुख महत्वपूर्ण है, यानी जो सुख में इतराते हैं वे दुख में अवश्य घबराएंगे। जिनके लिए सुख महत्वपूर्ण है उनके लिए दुख भी महत्वपूर्ण बन जाता है, क्योंकि जो दुख सुख में इतराते हैं वही लोग दुख में घबराते हैं। क्योंकि इतराने का मतलब समझ गए? जिनको सुख हजम नहीं हुआ, जिनको सुख हजम नहीं हुआ वही इतराते हैं। जो सुख को दिखाने की कोशिश करते, हम कितने मौज में, क्या मजा आ रहा है, जो भी हम चाहते वो हमें मिलता है, जो दिखाने की कोशिश करता है। और कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है लोगों के पास सुख कम होता है, दिखाने की कोशिश ज्यादा होती है। हाँ, क्योंकि मेरे विरोधी के अंदर जलन होनी चाहिए। हाँ, कई तो सुख की इसलिए अभिलाषा करते हैं कि मेरे पास कुछ इतनी चीज हो जाए कि दुश्मन जले। आय हाय, जब दुश्मन जलता है ना तो दिल को बड़ी तसल्ली मिलती है। जो दिखावा करता है सुख का, ऐसे व्यक्ति के ऊपर दिन पलटने के बाद, दिन बदलने के बाद अगर दुख आता है तो दुख में वे लोग घबराने लग जाते हैं। इसलिए बहुत संतुलन बतलाया है। समायिक की प्रेरणा जैन परंपरा में क्यों दी गई, कभी आपने ये रहस्य जाना? हमारे छह आवश्यकों के अंदर सबसे पहला आवश्यक क्या है? छह आवश्यक हैं, आवश्यक यानी जो अवश्य करने चाहिए। जैन परंपरा से जुड़ा हुआ चाहे श्रावक है और चाहे साधु है, उसके लिए छह आवश्यक मस्ट जरूरी है। और उनमें सबसे पहला आवश्यक सामायिक। पहला आवश्यक क्या है? सामायिक। दूसरा आवश्यक 24 सत्था, जिसमें 24 तीर्थंकरों की प्रार्थना है, जिसको हम आज की भाषा में लोगस का पाठ भी कहते, 24 सत्था। उसका हम संस्कृत के रूप में बोले तो चतुर्विंशति स्तव उसका नाम है। चतुर्विंशति यानी चतुर्विंशति, ये संस्कृत का शब्द है। चतुर यानी चार, विंशति यानी 20, 20 और चार मिलके कितने? 24। तो वहां पर हमने प्राकृत में बोला 24 सत्था, वहां स्तव को सत्ता सत्ता बोलते हैं, यानी 24 तीर्थंकरों की पूजा करना। क्योंकि पहले आप समता में तो आइए, पहले संभाव में तो आइए, पहले 24 तीर्थंकरों की पूजा करने के लायक तो बनिए आप। यानी जब तक समायिक नहीं होती हमसे, तब तक हम 24 सत्था यानी 24 तीर्थंकरों की स्तुति करने के लायक नहीं बनते। वो जो समता है, समता बैलेंस्ड ऑफ माइंड जो है, उसके बाद 24 सत्था है। और 24 सत्था यानी 24 तीर्थंकरों का स्मरण करना, और स्मरण करते करते इतना आनंद आना, उनकी महिमा में इतना डूब जाना कि फिर वंदना करना। तीसरा आवश्यक क्या है?
बंधना, पहला आवश्यक समायक, दूसरा आवश्यक चौबीसत्था, तीसरा आवश्यक वंदना। वंदना होती है उसके बाद, वंदन करना। 24 तीर्थंकरों ने क्या मैत्री भाव दिखाया है, कितना संतुलन दिखाया है, किस प्रकार मन के पार की साधना की है, किस प्रकार आत्म रमन किया है, और आत्म रमन करते हुए किस प्रकार उन्होंने केवल ज्ञान को प्राप्त किया है, सर्वज्ञता को प्राप्त किया है। उनकी सर्वज्ञता प्राप्ति के जो भी मेथड हैं, जो भी तरीके हैं, उन तरीकों का अनुभव करते हुए हृदय श्रद्धा से भर जाता है। और जब आदमी श्रद्धा से भरता है, फिर उसको वंदना करवानी नहीं पड़ती, फिर वंदना होती है, होती है। और वंदना के बाद बतलाया है पड़कौना, प्रतिक्रमण, ये चौथा आवश्यक है। चौथा आवश्यक प्रतिक्रमण, पांचवा आवश्यक कायोत्सर्ग, क्योंकि प्रतिक्रमण क्या विधि है, लेकिन हम करें क्या, हम तो वही पढ़ते ना प्रतिक्रमण, जो हमने पाठ रट रखा है, जो विधि हमने याद कर रखी है, कहां बैठना है, कहां उठना, कहां वंदना करनी है, सब हमने बिल्कुल, आप यंत्रवत काम करते हो, यंत्रवत, जो भी आपको पढ़ा रखा है, जो भी आपको विधि बता रखी है, आप उसी विधि के अनुसार चलते रहते हो। इसके बाद ये पाठ आएगा, इसके बाद ये पाठ आएगा, इसके बाद ये पाठ आएगा, और मैंने ये बोलना है, मैंने ये बोलना है, ये मैंने सुनाना है। पर सुनाना तो है, सुनोगे कब? सुनाने में तो जिंदगी बीत गई, लेकिन सुनूंगा कब? तो पड़कौना होने के बाद प्रतिक्रमण का ही मेथड इतना गजब का है कि आदमी कायोत्सर्ग, यानी शरीर को भूलने की कला है कायोत्सर्ग। जहां शरीर की याद ना आए उसका नाम है कायोत्सर्ग। और कायोत्सर्ग से निकलने के बाद जब शरीर की नश्वरता का ज्ञान हो जाता है, शरीर से संबंध कुछ कटने लगता है, थोड़ा सा हम उसको जीते हैं, उसके बाद आता है प्रत्याख्यान। इस प्रकार ये कितने आवश्यक हो गए? छह आवश्यक। छह आवश्यक के अंदर सबसे पहला समायिक, इसका महत्व बतला रहा। मैं एक ईसाइयों की एक कथा पढ़ रहा था, बड़ी गजब की है, काल्पनिक है या वास्तविक है मुझे इसमें नहीं जाना, लेकिन कहीं ना कहीं दिल को छूती है ये कहानी, ये कथा, इसलिए सुना रहा हूं। कहते हैं कि एक बार एक गरीब आदमी की, मजदूर आदमी की 1,00,000 की लॉटरी निकल गई। रोज खरीदता होगा, नियम बना रखा था, पहले 1 रुपए की या कुछ पैसों की निकलता था, तो लॉटरी खरीदने का शौक होगा उसका। तो भैया मौका लग गया, एक दिन लॉटरी निकल गई, और वो भी कितने की? 1,00,000 रुपए की, सस्ते जमाने की बात कर रहा हूं मैं। हाँ, लेकिन उस आदमी से पहले उसकी पत्नी को पता लग गया कि मेरे पति की 1,00,000 की लॉटरी निकली। इतना सुनते ही, इतना पता चलते ही पत्नी तो घबराई, डर गई। डरना भी उसका स्वाभाविक था कि जिस बंदे ने कभी 5 का नोट नहीं देखा हो, अगर उसको यह पता चलेगा कि उसकी 1,00,000 की लॉटरी निकली, कहीं ऐसा ना हो वो खुशी में पागल हो जावे और हृदय गति बंद हो जावे और मैं बैठी बैठी या विधवा ना बन जाऊं। उसने ये सोचा, क्योंकि ये खुशी मेरा पति बर्दाश्त नहीं कर, क्योंकि खुशी भी कभी कभी बर्दाश्त नहीं होती। हाँ, जब किसी कोई डॉक्टर किसी का हार्ट का ऑपरेशन करता है ना, तो उसके मिलने वालों को एक बात कहता है कि इसको किसी भी प्रकार की, चाहे खुशी का समाचार हो और चाहे दुख का समाचार हो, इसको सुनाना नहीं, क्योंकि अभी हार्ट पूरी तरह चल नहीं रहा है, क्योंकि दोनों चीजें पकड़ती हैं। हाँ,
कभी कभी दुख इतना तकलीफ नहीं देता जितनी खुशियां तकलीफ दे जाती हैं। हाँ, वो तो घबराई कि इनको पता जरूर चलेगा, लेकिन उससे पहले करूं तो करूं क्या। तो सामने एक चर्च था, चर्च में पादरी था, पादरी के पास भागी भागी गई, कहा कि मेरी रक्षा करो फादर, मेरी रक्षा करो, प्लीज फादर सेव मी, मेरी रक्षा करो। पादरी ने कहा क्या हुआ, क्या हुआ बेटा। कहा कि मेरे पति के नाम 1,00,000 की लॉटरी निकली है। नुके तो अच्छी बात है, नुके खा का अच्छी बात है, उन्हें पता लगती वो खुशी में पागल हो जाएंगे, और पागल हो गए तो कहीं मर ना जाए। और मैं अपने पति को, क्योंकि मेरा पति मर गया तो इस 1,00,000 का करूंगी क्या मैं। हाँ ये तो बात ठीक है, क्योंकि मेरे पति मजदूर हैं, मजदूर कर मजदूरी करके खाते हैं। ठीक है बेटा तू चल मैं आता हूं। नुके संभाल लेना, नुके मैं संभाल लूंगा। पादरी भी आ गया। इतने में थोड़ी देर के बाद जिसकी 1,00,000 की लॉटरी निकली थी वो मजदूर भी आ गया। तो मजदूर ने फादर को अपनी कुटिया में देखा तो खुशी हो गई, कहा कि आप गरीब की कुटिया में, बस मस्त है भाई। आज गॉड ने कहा कि फला भक्त के जाना है तो हम चले आए। ओ गॉड ने कहा मेरे घर के लिए, अरे वाह फिर तो कमाल हो गया। ए पार्वती, हाँ कुछ लिया, भगवान आए, क्योंकि हमने गॉड को तो देखा नहीं लेकिन फादर को देखा है जो भगवान के साथ सीधा संपर्क में रहता है। कुछ आ गया जलपान। सोचने लगा पादरी कि बात कहां से शुरू करूं। फिर उसने हिसाब लगाया, पहले 10,000 की बात करता हूं, अगर 10,000 हजम हो गया फिर 20,000 की बात करूंगा। समझ रहे हो ना, पहले 10,000 की बात करूं फिर 20,000 की। अंदर ही अंदर हिसाब लगाने लगा, सोचने लगा क्या करूं। फिर अपनी बात शुरू करी, एक बात बता, बोलिए कि बाई चांस आपकी 1,00,000 की लॉटरी निकल जावे तो फिर करोगे क्या तुम। नुके जी सुनो, अगर मेरी 1,00,000 की लॉटरी निकल गई ना तो 50,000 मैं तुमको दे दूंगा। इतना सुनती पादरी मर गया, पादरी मर गया इतना सुनती, क्योंकि उसने तो सोचा भी नहीं था कि मुझको 1,00,000 में से 50,000 पादरी लुढ़क गया जी, जो बचाने गया था वो मर गया। इसका मतलब क्या समझा आपने, क्योंकि कभी कभी खुशी हमें वो मिल जाए जिस खुशी की हमें कल्पना नहीं थी, तो कभी कभी वो खुशी भी हजम नहीं होती। हाँ महावीर का धर्म कैसा है, हजम करने का धर्म है, लक्कड़ पत्थर हजम करने का धर्म है महावीर का। महावीर का धर्म केवल स्वादिष्ट व्यंजन खाने का नहीं है, महावीर का धर्म तो कभी कभी लूखा और सूखा भोजन करने का भी धर्म है। धन्ना अनगार जो बेले बेले पारना किया करते थे, और पारना उज्जित आहार से किया करते थे, उज्जित आहार यानी जिसे भूखे से भूखा व्यक्ति भी जिस भोजन को खाना पसंद ना करे उस भोजन को खा करके वो आइंबिल का पारना किया, आइंबिल से पारना किया करते थे। बेले का पारना उज्जित आहार जिसे फेंक दिया जाता था, जिसको फेंकने के लिए रखा जाता था, जिसे पशु भी ना खाए, ऐसे भोजन को खा करके वो पारना
यानी एंगल किया करते थे। यह है महावीर का धर्म, यह है महावीर के धर्म की गहराई। इसलिए कहता हूं कि पहले इस चीज को पहचानिए, होकर सुख में मगन ना फूले, दुख में कभी ना, क्योंकि जिसको सुख पचाना आ गया, जिसको सुख हजम करना आ गया, वही दुख को हजम कर सकता है। ये दुख हर किसी से हजम होने वाला नहीं है, ये चीज हमको पहचाननी है। दुख को हजम करना है तो उससे पहले सुख को हजम करना सीखिए, यानी पुण्य को हजम करना सीखिए। मैंने एक दिन कहा था आपको कि जिसको पुण्य के उदय काल में अभिमान नहीं आता, याद होगा आपको, पुण्य के उदय काल में जब पुण्य का समय आता है, पुण्य का उदय काल आता है, उस वक्त जिसे अभिमान नहीं आता, और पाप के उदय काल में जिसको क्रोध नहीं आता, क्योंकि पाप के उदय काल में क्रोध आवे ही आवे और पुण्य के उदय काल में अभिमान आवे ही आवे। जिसका पुण्य, जिसका सितारा बुलंदियों पे चल रहा है, उसको घमंड आता ही आता है। हाँ, और यही संतुलन जिसने बना लिया वही अध्यात्म में प्रवेश कर सकता है। लीजिए, आए यहां, धर्म न दोजा सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना, साची बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप जाके हृदय साँच है, ताके हृदय प्रभु आप, सतमत छोड़ बावरे। सत छोड़ा पत जाए, सत की बांधी लक्ष्मी फेर मिलेगी आए, तप बल से भी सत्य का बल है अपरम पार, हरिश्चंद्र के सत्य की सुनिए अब झनकार। वह सत्यवादी हरिश्चंद्र एक पल में बना भिखारे, मर घट में बिक गया राजा, बिक गई तारा रानी, वो अटल रहे धर्म पे, फिर हो गई सब आसानी। हम भूल गए हैं जिनको, जरा याद करो कुर्बानी, जिन धर्म के प्यारे लोगो, यह सुन लो अमर कहानी। हम भूल गए हैं जिनको, जरा याद करो कुर्बानी। बोलिए, सत्यवादी महाराजा हरिश्चंद्र की। राजा हरिश्चंद्र का जीवन चरित्र बड़ी ही तन्मयता के साथ हम सुन रहे हैं।
और उसमें आपने कल सुना था कि जैसे ही विश्वामित्र को पता चला कि मैंने अपनी तपस्या के प्रभाव से जिन अप्सराओं को लताओं से बांध दिया था, जमीन से चिपका दिया था, उन अप्सराओं को राजा हरिश्चंद्र ने छुड़ा दिया, ये बात विश्वामित्र को हजम नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? इसलिए नहीं हुई क्योंकि वो हरिश्चंद्र को अन्न का कीड़ा मानता था, विलासी मानता था, भोगी मानता था, अपने आप को त्यागी मानता था, अपने आप को तपस्वी मानता था, अपने आप को महान मानता था, वो अपने को साधु मानता था और हरिश्चंद्र को गृहस्थी मानता था। ये घमंड था उसको, उसको अपने त्याग का घमंड था, अपनी तपस्या का घमंड था, लेकिन ये नहीं पता कि तपस्या से भी ज्यादा ताकत आदमी की सच्चाई के अंदर होती है। अगर दिल का ईमानदार हो उसका व्यक्तित्व वजनदार होता है, पर लेकिन समझ में आएगी लेकिन बहुत देर के बाद आएगी। लीजिए क्या हुआ, कहते हैं जीवन में कर्तव्य का जो रखता है ध्यान वह गौरव है विश्व का पाता जग सम्मान। जो अपने जीवन के कर्तव्यों का दिल से ध्यान रखता है, यानी जिन कार्यों के लिए जिन जिनको नियुक्त किया गया है उन कार्यों को पूजा समझ करके करता है, वर्क इज वर्शिप, यानी काम ही जिनके लिए पूजा है, दिल पूरी तरह इन्वॉल्व करके कोई काम करता है, ऐसे कर्तव्यनिष्ठ व्यक्तियों को विश्व सम्मान देता है, उनकी पूजा करता है। तो क्या हुआ, भूपति निज नियमानुसार सब नित्य कर्म से निपट गए, सूर्योदय होते ही न्यायासन पर आसीन हुए, ठीक समय पर अधिकारी भी निज निज आसन पर आए, नृप यदि कर्मठ न्याय निरत हो फिर क्या गड़बड़ हो पाए, न्यायासन पर बैठ न्याय करने में वे संलग्न हुए, योगी जैसे योग साधना के साधन में मग्न हुए। भूपति यानी राजा हरिश्चंद्र अपने नित्य कर्मों से निवृत्त होने के बाद राज्यसभा में न्यायासन के ऊपर विराजमान हो गए, अपने समय पर पहुंच गए, क्योंकि जब राजा अपने समय का पाबंद हो तो उसके नीचे जितने भी कर्मचारी या अधिकारी हैं वो अपने आप ही नियमित हो जाते हैं। सब बैठ गए और राजा हरिश्चंद्र न्याय की तुलना किसी योगी की योग साधना से कर रहे हैं, क्योंकि याद करना न्याय योग दोनों ही मन का साम्य रूप अपनाते हैं, चंचल मन होने पर दोनों कार्य नष्ट हो जाते हैं, योगी जैसे प्राणी मात्र को अपने तुल्य समझता है, शासक भी पर के सुख दुख का भान हृदय में रखता है। न्याय और योग दोनों ही एक ही मनस्थिति वालों के लिए संभव है। किनके लिए? उनके लिए
जो चंचल नहीं है। न्याय करने वाला अगर भेदभाव में फंस गया और योग करने वाला भी अगर भेदभाव में फंस गया, ना वो न्याय कर सकता है और ना वो योग कर सकता है, क्योंकि योग के लिए भी मन में काबू चाहिए, मन पर नियंत्रण चाहिए, और न्याय करने वाला भी निष्पक्ष होना चाहिए, क्योंकि जो निष्पक्ष होता है, निष्पक्ष वही हो सकता है जिसका अपने मन पर नियंत्रण है, जो मन का गुलाम नहीं है। जो भेदभाव करता है वो मन का मालिक नहीं होता बल्कि मन का गुलाम होता है। तो वहां राजा एक एक अभियोग प्रजा का बड़ी शांति से निपटाते, वादी प्रतिवादी दोनों ही खुश हो जय मंगल गाते। अपराधी तक सुप्रसन्न है क्षेत्रति दंडित होकर भी, राजा के प्रति खेद नहीं है अपनी इज्जत खोकर भी। शासक नृप जब हृदय पिता का बना नियंत्रण करता है, उभय पक्ष के स्वच्छ हृदय में प्रेम ही लोरे भरता है। न्याय क्या गजब का था हरिश्चंद्र का, कि हर चीज की गहराई में जाते थे वो, और निष्पक्ष रूप से अपराधी को दंड दिया करते थे, जो निरपराध था उसे सम्मानित किया करते थे। और क्या गजब की बात थी कि उनका न्याय इतना गजब का था कि अपराधी दंडित होने के बाद भी प्रसन्न रहता था। वो ये मानता था कि मैंने जितना अपराध किया मुझे उतना ही दंड मिला, ना कम और ना ही ज्यादा। वाह, यानी दंडित होने के बाद भी अपराधी राजा की जयकार करे। वो इसलिए करता था कि राजा ने पूर्णतः शत प्रतिशत न्याय किया है। इसको कहते न्याय, क्योंकि जब आप पुराना जमाने की बात कर रहा हूं, अब तो मैं जानता नहीं, लेकिन कहते कि जब किसी दुकान पर जाते थे और तराजू के दोनों एक पलड़े में बांट रहता था, एक पलड़े में सामान रहता था, और जब संतुलन में आ जाता था तो किसी कोई आपत्ति होती थी क्या? आपत्ति नहीं होती थी, लो भैया पैसे पकड़ो और जितना मांगा आपने हमको उतना दिया, इससे वो प्रसन्न हो जाते थे। हाँ, यानी हरिश्चंद्र के राज्य में अपराधी दंडित होकर के भी खुश थे, वो इसलिए कि राजा कभी हमको ज्यादा दंड नहीं देता है, जिस दंड के हम अधिकारी हैं उधर। इधर तो न्यायासन पर न्याय चल रहा है, न्याय का कार्यक्रम चल रहा है न्यायासन, और उधर देखिए जो कल बतलाया था मैंने, अलख निरंजन पूरी अयोध्या का घंटा पथ आज अतीव विकंपित है, आस पास दर्शक जनता का मन भी अति ही चिंतित है। एक विकट तूफान उठा सा आता है, मुनिवर क्या है, होठ कपाते दांत पीसते हुए स्वयं यम भी क्या है। देख क्रुद्ध को सिक्को आकुल व्याकुल है सब नर नारी, कौन काल के गाल पड़ा है किस पर वक्र दृष्टि डारी। उदा महर्षि विश्वामित्र अपने सैकड़ों शिष्यों के साथ, जिनके सिर मुंडे हुए हैं, कईयों की जटाएं खुली हुई हैं, और आगे आगे परशुराम दन दनाता हुआ, कांपता हुआ, दांत पीसता हुआ, बड़बड़ाता हुआ, हुंकारे भरता हुआ आगे बढ़ रहा है। ऐसा लग रहा है कि आज अयोध्या में कोई तूफान आने वाला है, क्योंकि विश्वामित्र को इतने क्रोध में आज तक किसी ने
नहीं देखा था और अयोध्या की जनता को यह पता था कि जब विश्वामित्र क्रोध में आते हैं तो प्रलय आ जाती है, तूफान में सब कुछ तबाह हो जाता है। और उनकी इस वक्र दृष्टि को देखकर, उनके इस भयानक चेहरे को देखकर अयोध्या की जनता डर के मारे कांपने लगी, एक दूसरे के कान में फुसफुसाने लगे, कहने लगे, आज किसकी मुसीबत, आज विश्वामित्र की किसके ऊपर वक्र दृष्टि यानी टेढ़ी नजर, ऐ है वो तो गयो, पता है कौन? मैं भाई पता नहीं, पर लेकिन आज विश्वामित्र उसको छोड़ने वाले नहीं है, डर रहे हैं। और जरा आप भी देख लेना नजारा इसके अंदर। एक देव है मानव जिनके, मिलने से सब प्रमोदित हों। एक रुद्र दानव है मानव, देख जिन्हें सब दुखित हों। सज्जन दुर्जन दोनों जग में भिन्न प्रकृति के हैं स्वामी। एक जलज है कमल, एक है जोंक रक्त का अनुगामी। एक है देव के समान और एक है दानव के समान, इंसान इंसान। हाँ, आपने कभी देखा, कई लोग घर में जब आते ना बड़ा एटीट्यूड दिखाते, घर में आते तो चेहरे पे हंसी तो होती नहीं, आंखें चढ़ी हुई होती हैं, चेहरे पे कोई मुस्कुराहट नहीं, और ये समझ लेते हैं हम तो बड़े हैं और हमें हंसना नहीं चाहिए, बिल्कुल मुखाकृति तनी हुई रहनी चाहिए। और जैसे ही लोग वो घर में आते हैं, बच्चे ने देखा ओ दादाजी आ गए, जिनके अंदर गुस्सा बहुत है वो कहते ओए चुप, सब अपने अपनी जगह बैठ जाओ, दादाजी आ गए। ये उनका सम्मान है या उनके क्रोधी स्वभाव को देखते हुए बच्चे जो डरे हैं, भयभीत हुए हैं? मैं कभी कभी देखता हूं, मैं अपने ऊपर ही देखता हूं कभी कभी, आपके घर में, अब मुझे ऐसा बोलना नहीं चाहिए, मुझको कोई हक नहीं है बोलने का, लेकिन फिर भी बोल रहा हूं क्योंकि इस बात को तुम जल्दी समझ जाओगे। आपके घर में कोई एक शर्मन संघ का साधु आहार लेने जाए, गोचरी लेने जाए, और एक दूसरा कठोरपंथी क्रियापंथी जो हजार सवाल करे और वो तुम्हारे घर पर आए, तो किसको देख करके आप डर जाते हो बताना जरा। जब साधु आए और कहे ओ जो जहां है वहां खड़ा रहे, वो तेरा भला, पता नहीं महाराज आया या आतंकवादी आया है, कोई हिलना नहीं, और फिर तुम्हारे पास से जाना, तुम्हें देखते हुए जाना, उस समय देखा करो आपकी सीटी पीटी किस तरह है, चुप, और वो कुछ बोल भी दे, ये रोटी किसके लिए बनाई? जी हमने अपने लिए बनाई जी, क्योंकि डर इतना लग गया कि सच बोल नहीं सकते। तो आप सोचिए, ऐसी दहशत अगर हमारी वजह से आपके चेहरे पर आती है, ये साधुता का अपमान है, ये साधुता का सम्मान नहीं है। लोगों को डराना संतों का धर्म नहीं है। अगर संत किसी के घर पर जाए तो ऐसा लगे कि कोई भगवान आया है, कोई हमारे यहां तीर्थंकर आया है, कोई मैत्री का मसीहिया आया है, कोई प्यार का और प्रेम का देवता आया है। ये जब आप महसूस करें तो ही साधु का सम्मान होता है। अगर साधु को देखकर आप लोग डर जाओ, पालनहार डर जाए, ये अच्छी बात नहीं। तो कई लोग कहते हैं हमको भी कि महाराज हमारे पिताजी बहुत ऊंचे श्रावक थे और बड़े बड़े साधु उनसे डरा करते थे। मैं कहता था भाई तेरा बाप था श्रावक से अगर साधु डरने लग जाए
तो फिर मां बाप कैसा है वो? मां बाप को देख करके बच्चे खिलखिला जाते हैं, डरते नहीं हैं। डराने वाले श्रावक भी अच्छे नहीं होते और डराने वाले साधु भी अच्छे नहीं होते। यही चीज है वहां पर, यही विश्वामित्र के जब लहराते हुए बाल देखे, ऊंचे लंबी लंबी सांस देखी, और वो तो डर गए बुरी तरह से। भैया नुके, भैया आज क्या हो गया? और ये सारे के सारे राजसभा की ओर जा रहे हैं, लगता है आज कुछ होने वाला है। इतने में न्याय सभा के द्वार देश पर द्वारपाल से बतलाए अपने मन के भाव क्रोध की भाषा में ही समझाए। द्वार पे पहुंच गए और द्वार पर पहुंचते ही बोले अलख निरंजन, और उनका चेहरा इतना लाल, आंखें लाल। द्वारपाल तो डर गया बेचारा, हाथ जोड़ने ने अंदर जा और अपने राजा को बोल महर्षि विश्वामित्र आए हैं। जी जो गया चले अंदर। द्वारपाल ने अंदर जाकर कहा नरपति से, हे प्रभुवर खड़े द्वार पर कौशिक ऋषिवर न्याय कराने की खातिर। अंदर गया, महाराजा धीराज की जय हो, महर्षि विश्वामित्र द्वार पर खड़े हैं, कह रहे हैं मुझे न्याय चाहिए। इतना सुनते ही राजा स्तंभित विस्मित, ऋषि न्याय कराने आए हैं, ऋषियों को तो न्यायालय के द्वार निषिद्ध बतलाए हैं। मेरे योग्य कार्य था यदि तो मुझे वहीं बुलवा लेते, स्वयं सभा में आते ऋषिवर कभी नहीं शोभा देते। द्वारपाल से कहा प्रतिष्ठा पूर्वक उनको ले आओ, संत किसी भी धर्म वेश के हो सबकी महिमा गाओ। जब ये सुना हरिश्चंद्र ने कि विश्वामित्र न्याय द्वार पर खड़े हुए हैं और न्याय मांगने आए हैं, सुनते ही एकदम शॉक्ड हो गए। वो एकदम सोचने लगे, साधु सन्यासी न्यायालय, समझ रहे हो ना? साधु अगर कोर्ट कचहरी में चले जाने लग जाए तो फिर साधु किस बात का रहा है? वो सोचने लगे कि साधु का न्यायालय से क्या लेना देना? न्यायालय में तो वो आते हैं जिनके साथ कोई जुल्म और सितम हुआ हो, और साधु तो हर तरह से हर किसी को माफ करने की कला जानता है। बात क्या हुई समझ में कुछ नहीं आया। बस वो तो एक बात ही उसने पढ़ी थी, एक ही बात ही जानता था कि साधु होकर के कोई न्यायालय के अंदर नहीं आता। न्याय सभा में साधु नहीं आते, गृहस्थी आते हैं, गृहस्थियों के झगड़े होते हैं, उनके ही बंटवारे होते हैं, उन्हीं के कोई लफड़े होते हैं, साधु ही साधु न्यायालय में जाए, ये कैसे हो सकता है? पर वो समझ में लगे कि करूं तो क्या करूं, तुरंत कहा कि चलो छोड़ो। द्वारपाल को कहा गुरुदेव को इज्जत के साथ अंदर लेकर के आओ। जब आ ही गए तो उन्हें अंदर लेकर के आओ। कौशिक जो ही न्यायालय में, देखो चाल कैसी है, क्योंकि तपस्या का घमंड है और चाल ऐसे चल रहे हैं जैसे अपन तो पतले से आदमी है, वह जी लंबा चौड़ा आदमी, आहा जटाएं खुली हुई, छाती फूली हुई। कौशिक जो ही न्यायालय में मस्त झूमते से आए,
सभा सहित नृप खड़े हुए नतमस्तक सादर गुण गाए। सिंहासन से लगे उतरने तो कौशिक कर्कश बोले, धधक रहे थे लगे बरसने वचन रूप बम के गोले। राजन रहने दे ये आदर सिंहासन पर ही ठहरे, नमक डाल कर व्यर्थ जखम पर उठा रहे दुख की लहरे। पूजा आदर की अभिलाषा लिए नहीं मैं आया हूँ, राजा तुम हो न्यायासन से न्याय मांगने आया हूँ। क्रोध गर्जना सुन कौशिक की सभी लोग भयभीत हुए, किंतु सत्य के धनी नृपति तो अति निर्भय अति स्थित हुए। जैसी अंदर आए झूमते हुए राजा हरिश्चंद्र अपने सिंहासन से खड़े हो गए, क्योंकि वो राजा है, वो महाराजा है, एकदम खड़े हो गए। जब राजा खड़े हुए तो सारी सभा खड़ी हो गई, किसके सम्मान में? विश्वामित्र के सम्मान में। और जैसे ही सिंहासन से उतरने लगे राजा हरिश्चंद्र, तुरंत कहने लगे, हरिश्चंद्र बैक, वापिस। एक तो ये हाथ मत जोड़, क्योंकि जब तू हाथ जोड़ता है तो मुझे ऐसे लगता है जैसे तू मेरे जख्म पर नमक डाल रहा है। बैठ जा, लोगों का है, बैठ, सब बैठ जाओ यार। वो बेचारे डर गए बुरी तरह से, लेकिन सब डरे हुए हैं, लेकिन एक नहीं डरा हुआ है। कौन? राजा हरिश्चंद्र। क्यों नहीं डरे हुए हैं? क्योंकि कोई बुरा किया ही नहीं, तो डर किस बात का? हाँ, जब उनको इतना क्रोध में देखा तो हरिश्चंद्र बैठे नहीं, उन्होंने हाथ जोड़कर वहीं से कहा, बताएं शांति सदन ऋषिराज। देखो क्या बोलते, कितना आदर दिया है, और ऋषि को क्या बोल रहे हैं, शांति सदन ऋषिराज, हे शांति के देवता। बताएं शांति सदन ऋषिराज, बताएं शांति सदन ऋषिराज, क्रोध का क्या कारण है आज, क्रोध का क्या कारण है आज, मुझसे न्याय कराने आए, कुछ भी नहीं समझ में आए। क्योंकि राज से क्या ऋषियों का काज, राज से क्या ऋषियों का काज, क्रोध का क्या कारण है आज, क्रोध का क्या कारण है आज, बताएं शांति सदन ऋषिराज। मुझे समझ में नहीं आता कि गुरुदेव आप यहां पर क्यों आए, क्योंकि आज्ञा होती मैं खुद आता, जो कुछ होता हुक्म बजाता। क्योंकि आप हैं हम सबके सरताज, आप हैं हम सबके सरताज, बताएं शांति सदन ऋषिराज, क्रोध का क्या कारण है आज, क्रोध का क्या कारण है आज। और भी गुरुदेव, ऋषिवर होते समताधारी, ऋषिवर होते समताधारी, बहता करुणा निर्झर भारी। आप हैं किस पर क्यों नाराज, आप हैं किस पर
क्यों नाराज बताएं शांति सदन ऋषिराज, क्रोध का क्या कारण है यार। और बात ही बात में एक बहुत बड़ी बात बोल गए हैं राजा हरिश्चंद, न्याय और क्रोध मेल नहीं खाते, क्योंकि जहां क्रोध होगा वहां न्याय हो ही नहीं सकता। दो जगह न्याय नहीं होता, एक मोह के अंदर और एक क्रोध के अंदर, कभी न्याय होता ही नहीं है। क्रोध और न्याय मेल नहीं खाते, क्रोध से झूठे माने जाते, सूत्रीय शासन का महाराज, सूत्रीय शासन का महाराज, बताएं शांति सदन ऋषिराज, क्रोध का क्या कारण है यार, क्रोध का क्या कारण है यार। शांति से बैठे यह आसन, आसन की तरफ इशारा किया कि आप गुरुदेव बैठिए पहले। शांति से बैठे यह आसन कीजे ऋषि मर्यादा पालन, कीजे ऋषि मर्यादा पालन, भूमि पर खड़े हैं, भूमि पर खड़े हमें है लाज, बताएं शांति सदन ऋषिराज, क्रोध का क्या कारण है आज। और भी गुरुदेव, राजा सभी प्रजा का होता, कुछ भी पक्षपात नहीं होता, राजा सभी प्रजा का होता, कुछ भी पक्षपात नहीं होता, न्याय यहाँ पाता शुद्ध समाज, न्याय यहाँ पाता शुद्ध समाज, बताएं शांति सदन ऋषिराज, क्रोध का क्या कारण है आज, क्रोध का क्या कारण है आज। कहा कि गुरुदेव पहले तो ये बताइए इतना क्रोध क्यों आ रहा है, क्योंकि साधु शांति के घर होते हैं, शांति के दूत होते हैं, और आपकी आज्ञा होती मैं वहां आता, क्योंकि राजा आश्रम में आता हुआ अच्छा लगता है, लेकिन साधु रास न्यायालय में आता हुआ अच्छा नहीं लगता है। जब आ ही गए हैं फिर आप इतने क्रोध में क्यों हो, क्योंकि आप जानते हो क्रोध और न्याय का कोई मेल नहीं है, आपस में कोई मेलन नहीं है। आप शांत हो जाइए, पहले आप आसन के ऊपर बैठिए, क्योंकि जिसका महाराज जिसका गुरु जमीन पर खड़ा हो और मैं सिंहासन पर बैठूं, ये मेरे लिए शर्म की बात है। पहले आप आसन पर बैठिए और जो बात है वो कहिए आप। सारा काम खराब हो गया, क्योंकि विश्वामित्र कुछ नई प्लानिंग से आया था। जाऊंगा, गुस्सा दिखाऊंगा, राजा को डराऊंगा, वो चरणों में झुकाऊंगा, फिर कहूंगा एक खड़ा हो जा। लेकिन यहां तो कुछ भी नहीं हुआ रे, यहां तो मैं गुस्से में हो रहा हूं, राजा कितना ठंडा। ओए होए, ओहो विश्वामित्र, तूने कहीं गलती तो नहीं कर दी? अब समझा बेचारा कि तू पागल है, अज्ञानी है, तू अपने आप बोल रहा है, मन ही मन बोल रहा है, सोच रहा है, तेरे पास इतनी करामात थी पर तू क्यों आ गया यहां? अब समझा, ओहो विश्वामित्र, जब क्रोध बहुत आ रहा हो ना तो उस समय एकदम निर्णय लेना नहीं चाहिए, तूने गलत निर्णय लिया, अब तो बैठना ही पड़ेगा, राजा का सिंह, राजा ने आसन दिया, बैठना ही पड़ेगा, अब क्या करूं, क्या करना, कल करेंगे जो कुछ करेंगे, आज तो कुछ कर नहीं पाएंगे, समय हो गया वैसे भी, अब कल जो होगा उसको कल देखते हैं। वीर नाम के
हीरे मोती गुरु नाम के, हीरे मोती मैं बिखराऊं गले गले, ले लो रे कोई राम का प्यार शोर मचाऊं गली गली, ले लो रे कोई गुरु का प्यार शोर मचाऊं, दौलत के दीवानों सुन लो एक दिन ऐसा आएगा, धन दौलत और महल खजाना यहीं पड़र जाएगा, हो धन दौलत और महल खजाना यहीं पड़र जाएगा, सुंदर काया मिट्टी बनेगी, सुंदर काया मिट्टी बनेगी, चर्चा होगी गली गले, ले लो रे कोई राम का प्यार शोर मचाऊं, ओ ले लो रे कोई गुरु का प्यार शोर मचाऊं, जिसने ये सब मोती लूटे वो तो माला माल हुए, दौलत के जो बने पुजारी आखिर वो कंगाल हुए, हो दौलत के जो बने पुजारी आखिर वो कंगाल हुए, सोना चांदी वालो सुन लो, लोहे कपड़े वालो सुन लो, बेंगलुरु वालो सुन लो, बात सुनाऊं खरे खरे, ले लो रे कोई राम का प्यार शोर मचाऊं गली गली, ले लो रे कोई गुरु का प्यार शोर मचाऊं गली गली, हो वीर नाम के हीरे मोते, गुरु नाम के हीरे मोते मैं बिखराऊं गले गले, ले लो रे कोई राम का प्यार शोर मचाऊं गली गली, हो शोर मचाऊं गली गली, शोर मचाऊं गली गली, शोर मचाऊं गली गली।